मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में अब तक कुछ भी सही नहीं चल रहा। हार्दिक पांड्या का भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। उनकी समस्याएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल हार्दिक पांड्या का 2019 में कॉफी विद करण में उनका लड़कियों के लिए कंट्रोवर्शियल बयान देने के बाद से ही उन्हें लोगों के नफरतों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। फिर जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 मैच के दौरान तिलक वर्मा 49 रनों के स्कोर पर खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या ने छक्का मारकर जीत दिला दी, फैंस का कहना है कि पांड्या ने ऐसा जानबूझकर किया। तिलक वर्मा को पांड्या ने 50 बनाने से रोक दिया। यह घटना भी फैंस को याद है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के मैच के दौरान केएल राहुल के पास शतक जमाने का मौका था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा नहीं होने दिया। राहुल 97 बनाकर खेल रहे थे, लेकिन धोनी स्टाइल में छक्का जड़कर जीत दिलाते हुए पांड्या को हीरो बनना था। वह छक्का लगाने में सफल रहे और राहुल शतक नहीं बना पाए। और अब आईपीएल में हार्दिक पांड्या जब तक गुजरात टाइटंस की कैप्टन थे तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन जब इस सीजन में वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने तब से हार्दिक पांड्या को फैंस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण उनको मुंबई का कप्तान बनाना माना जा रहा है। कुछ लोग रोहित शर्मा के फैन को भी उनके नफरत का कारण मानते हैं। फैंस का कहना है कि हार्दिक कभी भी एक लॉय प्लेयर नहीं रहे, लेकिन बात सिर्फ कैप्टेंसी की नहीं, फैंस उनके बिहेवियर की वजह से भी उनसे नफरत करते हैं। दरअसल रोहित की कप्तानी में मुंबई के लिए जब पांड्या खेलते थे उस समय फील्डर को गाली देकर पांड्या ने सुझाव दिया था और कहा था कि मेरी गेंदबाजी में किसी और की बात मत सुनो। उस समय रोहित शर्मा फील्डर को किसी जगह खड़े होने के लिए कह रहे थे, लेकिन पांड्या की गाली स्टंप माइक पर सुनी गई थी। इसे फैंस आज तक याद रखे हुए हैं। आईपीएल के इस सीजन में भी लतीश मलिंगा एक मैच के बाद पांड्या से गले मिलने के लिए आए, लेकिन उसको धक्का देकर दूर कर दिया गया। पांड्या द्वारा धक्का देने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस तरह यह भी उनके फैंस की नफरत का कारण बना। पांड्या का मैदान पर बर्ताव फैंस को पसंद नहीं आ रहा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।